हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे गोपाल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें। आज मैं आपको ये देखिए, मैंने गुलाब के फूल बनाए हैं और बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे फूल बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको गुलाब का फूल बनाकर दिखाऊंगी ये मैंने कैसे बनाए हैं। और ये हम गोपाल जी की ड्रेस में भी यूज कर सकते हैं, ये हम तोरण भी बना सकते हैं, ये हम किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको गुलाब का फूल बनाकर दिखाती हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। ये मैंने रेड कलर का बनाया है, इसे हम किसी भी कलर में बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। ये मैंने फूल छोटे ही बनाए हैं क्योंकि ये मुझे मंदिर का जो तोरण बनाना है उसमें यूज करने हैं। और बहुत ही प्यारे फूल बने हैं, देखिए कितना अच्छा फूल बनकर तैयार हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। ये मैंने यहाँ पर गांठ लगा ली और ये मुझे 30 की चैन बनानी है। अगर मुझे बड़ा फूल बनाना है तो हम 60 की चैन बना सकते हैं। जितना बड़ा फूल बनाना है उतनी ही बड़ी चैन बनाएंगे। तो ये मुझे 30 की चैन बनानी है। तो ये मैंने 30 की चैन बना कर तैयार कर ली है। अब ये मुझे यहीं से वापसी हो चलना है। और यहाँ पर मैं 3 की चैन बनाऊंगी। ये मैंने 3 की चैन बना ली और यहीं पर इसी के पास में एक डबल क्रोशे बना दिया है। फिर यहाँ पर 1 2 3 तीन चैन छोड़नी है और चौथी चैन में डबल क्रोशे बनाना है इस तरह। फिर 3 चैन बनानी है। फिर बिल्कुल इसके यहीं से पास से इस तरह बनाना है। तो ये देखिए हमारा वी शेप बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह ये मुझे पूरी चैन कंप्लीट कर लेनी है। फिर 3 की चैन छोड़नी है और चौथी चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 की चैन बनानी है और यहीं से बिल्कुल इसके पास से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पूरी चेन वी शेप में बनाकर तैयार कर ली है इस तरह से। ये देखिए वी शेप में बनकर तैयार हो गई है। अब यहीं से इसे बनाना स्टार्ट करूंगी। तो ये जो मैंने वी शेप बनाई है इसमें से मुझे 8 डबल क्रोशे लेने हैं। 8 भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने में पत्ती अच्छी बने। 9 10
उतने ही ले सकते हैं, लेकिन ये पत्ती आर्ट में अच्छी बन जाती है। ये एक पत्ती बन गई है। अब ये मुझे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर इस ये जो वी शेप दी हुई है, फिर इसमें से बनाना है 8 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये मैंने 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये इस तरह की पत्तियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा फूल बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं इसको कैसे बनाती हूँ, ये देखिए, यहाँ से इस तरह करके ये धागा नीचे रखना होगा और इस तरह ये देखिए, इस तरह करके ये मुझे सिलना है। ये मैं यहाँ से और यहाँ से ऐसे सिल लेती हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा फूल बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा और कितना प्यारा गुलाब का फूल बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से ये मैंने सारे फूल तैयार किए हैं। अगर ये आपको और भी सुंदर बनाने हैं और ये कहीं पर ऐसे अटैच करने हैं, तो हम इनमें मोती रख सकते हैं इस तरह से। और ये मोती बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर फूल बना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और मेरा समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे बता सकते हो, ये मेरे गुलाब के फूल किस तरह से बने हैं। देखिए, फूल तो बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर बने हैं। ये मैं अपने मंदिर का तोरण बनाऊंगी, उसमें अटैच करूंगी। और जब मैं तोरण बनाऊंगी तो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। ये आप गोपाल जी की ड्रेस में लगा सकते हो। कहीं पर भी यूज कर सकते हो। देखिए कितने प्यारे फूल बने हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।